हल नहीं होता। लेकिन जफर सारेश वाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिनको इतनी चिंता मणिपुर की है, क्या उनको बंगाल की नहीं होनी चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, जिस दिन प्रधानमंत्री वहां पर नए कीर्तिमान सेट कर रहे हैं, उसी दिन प्रधानमंत्री और योग दोनों का मजाक उड़ाना क्या जरूरी है? और नंबर तीन, एक लफ्ज नहीं आया किसी का भी, किसी भी विपक्षी दल से, जो आज भारत ने यूएन में चीन के बारे में चिट्ठा रख के लिख दिया, साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट करार करने से चाइना ने ब्लॉक किया, और यूएन में ही सारे वहां पर ऑडियो दस्तावेज सब कुछ भारत ने वहां पर रख दिया, और वहां के प्रेसिडेंट डिक्टेटर कह रहे हैं चाइना को और भारत को ग्लोबल लीडर। कोई टिप्पणी नहीं, टिप्पणी तो सिर्फ योग के मजाक की, प्रधानमंत्री के मजाक की। क्या ये सही राजनीति है? देखिए नाविका जी, मैं इस बात पे, मतलब मेरे लिए अभी आप नरेंद्र मोदी से आपको कितनी दुश्मनी हो या आपको बीजेपी से प्रॉब्लम हो, वो अपनी जगह पर है। अभी जो वो अमेरिका गए हैं और जो उनको जो एजाज हुआ है उनका, और जो सम्मान हुआ है मोदी साहब का, जिस तरह से, जो लेवल का, जो हमारे सबके सामने एक स्टेट डिनर है और सारा सब कुछ, जो दुनिया के 50 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए जो मिले उनको, तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा किसको होगा। अल्टीमेटली मोदी साहब का जो एजाज हो रहा है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अल्टीमेटली मोदी साहब तो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, इसका जो फायदा होगा सालों तक परपेचुअली वो हिंदुस्तानियों को होगा, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट आएगा। और एक जो हमारा डायस्पोरा है अमेरिका में, उनको फायदा होगा। मैं अभी सऊदी अरेबिया से बोल रहा हूं आपके साथ, मैं पिछले एक हफ्ते से जिद्दा, दमाम, जुबैल, और आज मैं रियाद में था, और मैं जिद्दा में था आज, रियाद, दमाम, जुबैल, चार शहरों में, और ज्यादा मेरा एंगेजमेंट इंडियन डायस्पोरा से हुआ। ये मोदी साहब की जो 2016 की जो विजिट थी, उसके बाद एक और बार गए, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान आए, तो यहाँ के जो लोग हैं, यानी जो बहुत बड़े ऐसे लोग जिनको मोदी साहब से प्रॉब्लम है, जिनको बीजेपी से प्रॉब्लम है, वो भी मुझे ये कहते थे कि मोदी साहब का ये ताल्लुकात बनाने का जो फायदा है उसका तो हम इनकार नहीं कर सकते। और यहाँ दिखता है, यानी आप स्ट्रीट पे चलेंगे तो अरबों के आज से 25-30 साल पहले पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दिखते थे। आज यहां पर सड़कों पे, जिद्दा की सड़कों पे या रियाद की सड़कों पर हिंदुस्तानी एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये ब्लू पासपोर्ट आप इमिग्रेशन पे रखते हैं तो उसका फायदा दिखता है। तो प्राइम मिनिस्टर के जाने से और वो जो एक मकाम को लेकर जाते हैं, उसका फायदा अल्टीमेटली आने वाली नस्लों को होगा, तो हमें ये देखना है। इसलिए कि आज जो यूएन में हुआ, 180 मुल्कों के जो लोग थे, तो अल्टीमेटली भाई फायदा किसका हुआ? हिंदुस्तान का हुआ। तो मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त हमको पूरी सियासत को दूर कर देने की जरूरत है, और ये देखना है कि भाई वो नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो फायदा होगा परपेचुअली आने वाले बिल्कुल दिनों यहाँ तक, की वो आवाम एक का होगा। दानिश हिंदुस्तानी को कुरैशी होगा, जी, ये हमको दानिश देखने की कुरैशी जरूरत जी, क्या आप इस बात को है। नहीं मानते जो जफर सरेश वाला कह रहे हैं? देखिए जफर सेरेसवाला साहब जो कह रहे हैं उनका अपना व्यू है, लेकिन मैंने जो बात मैं आपको बताऊं, दरअसल हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज आप ये कह रहे हैं कि अंदर यूएन में जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट था उसकी बात को लेकर मोदी जी ने रखने की कोशिश की या रखा। सवाल ये है कि आप एक बात समझिए, मोदी जी के जिम्मे है क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व वहां करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने किया, अच्छी बात है। उसके बजाय कोई और भी प्रधानमंत्री होते तो आप मुझे ये बताते क्या वहां से वो स्टेप बैक करके आ जाते? नहीं आते, कोई भी होते, एक्स वाई जेड कोई भी होते। दूसरे नंबर की बात कि जैसा कि आप यहाँ प्रपंच किया जा रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय फलक पे ये हो गया वो गया, अच्छी बात है करिए। हम तो ये कह रहे थे कि अभी जो बात कर रहे हैं मणिपुर की तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो परिस्थिति थी वो तो उससे भी भयानक थी। उसके बाद की जो परिस्थिति है जूनागढ़ में, जो परिस्थिति बनी वो तो उससे भी भयावह है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आप अपनी फलक बना रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं
जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो दिखाई दे रहे वो उनसे बिल्कुल अलग है। रह गई बात योगा डे की, बात की जाए तो सुनिए मेरी बात, योगा डे के अंदर में मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी का फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स है, होने चाहिए, हमें उससे कोई परहेज भी नहीं है। परहेज भी नहीं है, बहुत अच्छी बात। जफर सारेश वाला जी जवाब दे रहे हैं आपको। नहीं देखिए, बिल्कुल ये मोदी साहब की शास की बात नहीं है, वो वर्ल्ड लीडर गिने जाएंगे या दुनिया में उनका नाम होगा, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मोदी साहब कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसका परपेचुअल फायदा हम हिंदुस्तानियों को होगा, ये इंपॉर्टेंट बात। जफर साहब, बस जफर साहब, अब जफर साहब मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो बात है, मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री होते या नाविका जी प्रधानमंत्री होती या पैनलिस्ट और कोई भी होता, तो क्या उस तरह से काम नहीं होता जिस तरह से मोदी जी कर रहे? कोई भी होता अपने तरीके से ईमानदारी के साथ वो बात रखता, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप प्रपोज उनको रिप्रेजेंट कर रहे वो प्रॉब्लमेटिक है। आप देखिए इस पर एक बात तो आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के मामले में कवर करती रही हूं। 2008 में 26/11 हुआ था, ऑडियो टेप आज रखा गया है यूएन में।